Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I'm starting with the immunology, and in this video we will discuss about the introductory portion of the immuno. So firstly hum immuno ki baat karenge, hum general definition aur iski basic terms jo hain unke bare mein hum discuss karenge. So the term immunology, it is basically derived from a word that is the immunitized word. ठीक है, immunitized word से इसको describe किया गया है, derive किया गया है, जिसका मतलब होता है that freedom from the disease, right? अगर बिल्कुल basic, अगर generally हम बात करें immunity का मतलब क्या होता है या immunology का क्या मतलब होता है. Immunology का मतलब होता है आपका basically that is the study of the immune response, or we can say that the study of the immune system. ठीक है, in very simple words, study of the immune response or study of the immune system, जहाँ पे हम अपने body के immune system के बारे में बात करते हैं. अब ये immune system क्या है? इम्यून सिस्टम का मतलब है जैसे हमारे इंडिविजुअल की कोई बॉडी है, उसमें कोई पैथोजन एंटर करता है. ठीक है, पैथोजन इट कैन बी अ वायरस या कोई बैक्टीरिया है. ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हाउ आर बॉडी विल रिएक्ट अगेंस्ट दैट पैथोजन, दैट इज बेसिकली इंक्लूड्स अंडर द इम्यूनोलॉजी. ठीक है, कि हमारी बॉडी उस पैथोजन को खत्म करने के लिए कैसे फाइट करेगा या कैसे रिएक्ट करेगा, उसी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं. सो इन नेक्स्ट थ्री लाइन्स यू कैन सी हियर, यहाँ पे अलग अलग आपको इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी हैं. फर्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें यहाँ पे, दैट द स्टडी ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन. ठीक है, यानी कि जो पैथोजन एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट हमारा जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलेंगे, या फिर पैथोजन या फिर कोई भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है. देन नेक्स्ट वन है डेफिनेशन, दैट इम्यूनोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. अगेन कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे सारा मैकेनिज्म हो रहा है, वो सारी आप इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हो. देन वन मोर डेफिनेशन वी हैव, दैट इट इज द साइंस दैट इज कंसर्न विद द इम्यून रिस्पॉन्स टू द फॉरेन चैलेंजेस. हियर द फॉरेन चैलेंजेस मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पैथोजेंस. तो इस पूरे पैराग्राफ को, इम्यूनोलॉजी के अंदर जो पैराग्राफ है, इसको हम सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स और स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द पैथोजेंस, राइट. देन नेक्स्ट है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का मतलब क्या है? देखो, हमने एक बहुत जनरल सी, हम अपने डेली लाइफ में भी ये बातें सुनते हैं, जैसे मान लो कोई आपका फ्रेंड है, वो जल्दी बीमार होता है और आप थोड़ा कम जल्दी बीमार होते हो, तो हम आपस में डिस्कस कर देते हैं कि जैसे तुम्हारी इम्यूनिटी कम है, मेरी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है. और आपने ये भी देखा होगा कि कोविड के टाइम पे काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हुए, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई. ठीक है, ये सारी चीज़ें उनकी काफ़ी सेल हुई. तो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस वर्ड इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हाउ योर बॉडी विल रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजन. आइदर इट विल रिएक्ट और रिस्पॉन्स वेरी क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी से वो रिएक्ट करेगी या कोई भी उसका रिस्पॉन्स आएगा, या फिर कहीं की इम्यूनिटी क्या होती है, धीरे रिस्पॉन्स करती है, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम. ठीक है, कईयों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कईयों की इम्यूनिटी वीकर होती है. स्ट्रांग और वीकर का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा वायरस अगर उनके बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो बहुत जल्दी, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती तो बहुत जल्दी वो बीमार हो जाते हैं, या बहुत जल्दी पैथोजन उनके बॉडी में एक्ट करने शुरू कर देता है. ठीक है, तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज, यानी कि एक पर्सन की खुद की कैपेबिलिटी, उसकी बॉडी की कैपेबिलिटी कि वो उस पैथोजन के साथ कैसे वो फाइट करता है, कॉजिंग द ऑर्गेनिजम्स कंफर्ड बाय द इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी.
नाउ नेक्स्ट है आपका व्हेन फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंसेस यानी कि आपके पैथोजेंस की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे बैक्टीरिया हो गया या वायरसेस, फंजाई या पैरासाइट हो गए, जब ये होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं तो जो होस्ट की बॉडी है वो दो तरह से वर्क करेगी। क्या वो दो तरीके हैं? फर्स्टली हम देखेंगे कि नॉन स्पेसिफिकली क्लियर्स द इंफेक्शियस एजेंट यूजिंग द प्रिफॉर्म्ड कंपोनेंट्स, यानी कि प्रिफॉर्म कंपोनेंट का मतलब है कि पहले से बने हुए कुछ कंपोनेंट्स को यूज करके एक नॉन स्पेसिफिक वे में उस इंफेक्शियस एजेंट को, आइदर इट विल बी द फंजाई और इट विल बी द वायरस और बैक्टीरिया, उसको वो खत्म कर देगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इट विल स्टिमुलेट द बॉडी और इट विल स्टिमुलेट द होस्ट बॉडी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक सेल या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रिलीज करने के लिए उसे स्टिमुलेट करेगी, एंड दैट प्रोडक्ट विल फाइनली इन्वेड द पैथोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई ह्यूमन है, इट विल गेट इन्फेक्टेड विद द वायरस। ठीक है, तो वायरस जैसे इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है, इसकी बॉडी में ये पैथोजन क्या करता है, इसके इम्यून रिस्पॉन्स को एक तरह से स्टिमुलेट कर देता है ताकि इसकी बॉडी यानी होस्ट की बॉडी कुछ केमिकल्स या कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करे। ठीक है, ये केमिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, मोस्टली ये केमिकल्स क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि एंटीबॉडीज रिलीज करे या केमिकल्स, एंड फाइनली दीज एंटीबॉडीज फाइट विद दैट पर्टिकुलर पैथोजन जो आपकी बॉडी में एंटर कर रहा था। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी दो तरीके से काम कर सकती है, मींस ऑलरेडी हमारी बॉडी में कुछ प्री फॉर्म्ड कंपोनेंट्स है, या तो वो फाइट करेंगे उस इन्फेक्शन के साथ, या तो हमारी जो होस्ट की बॉडी है दैट विल फॉर्म सम केमिकल्स और फॉर्म सम प्रोडक्ट्स लाइक द एंटीबॉडीज, तो उनको वो खत्म करेगा। सो दिस इज अबाउट द इम्यूनिटी। नाउ वी हैव द कंबाइंड रिस्पॉन्सेज आर ट्रेडिशनली कॉल्ड एज द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि इन दोनों के कंबाइंड रिस्पॉन्स को ही हम इम्यून रिस्पॉन्स बोल देते हैं। देन द फॉरेन इन्वेडर दैट इंड्यूसेस एंड रिएक्ट विद द इम्यून सेल्स एंड द मोलिक्यूल्स इट इंड्यूस सच एज द एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज द एंटीजन। ठीक है, अभी जो फॉरेन इन्वेडर की बात की गई है, जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि हमारी बॉडी में वो केमिकल्स, वो एंटीबॉडीज रिलीज हो, तो वो फॉरेन इन्वेडर्स क्या है, यानी कि वो पैथोजन के लिए हम यहाँ पे इम्यूनोलॉजी में क्या टर्म यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं एंटीजन। ठीक है, कि जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करेगा, इट विल स्टिमुलेट्स आर बॉडी विल रिलीज द एंटीबॉडीज एंड फाइनली इट विल किल और इट विल इरेडिकेट दैट पर्टिकुलर पैथोजन और पर्टिकुलर एंटीजन। नाउ नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में दो प्राइमरी फंक्शंस रहते हैं। इम्यून सिस्टम हैज टू मेन प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट है आपका रिकॉग्नाइजेशन एंड डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस, एंड सेकेंड है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इम्यूनो सर्विलियंस। ठीक है, ये दो चीजें हैं। फर्स्ट जो रिकॉग्नाइजेशन की बात की गई है, दैट इज द पहले कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज करना, देन टू प्रोटेक्ट आर बॉडी अगेंस्ट दैट पैथोजन। और दूसरा क्या है, इम्यूनो सर्विलियंस को एस्टैब्लिश करना। इम्यूनो सर्विलियंस वर्ड का मतलब होता है, ये एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है हमारे प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, किस तरह के प्रोसेसेस, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी लोकेशन को वो लोकेट करेंगे, दैट इज द इम्यूनो सर्विलियंस। ठीक है, इम्यूनो सर्विलियंस में क्या होगा, सबसे पहले पैथोजन को लोकेशन को लोकेट किया जाएगा एंड देन दे विल रिकॉग्नाइज इट, उसको हम बोलते हैं इम्यूनो सर्विलियंस। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, दो मेन फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। पहला रिकॉग्निशन ऑफ एंड डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस एंड एज वेल एज इट इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इम्यूनो सर्विलियंस।
So these are the very general terms like immunology, immunity, and immune system. Now we will continue with the types of immunity. So we have two types. One is the innate immunity and second is the acquired immunity. Now I will take some points of the differentiation between the two. So here we are. We have this flow chart, and I usually follow for this flow chart the book QB for immunology. So you can refer that also. So innate immunity and acquired immunity mein kya difference hai? सबसे पहले जो आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इनबोर्न इम्यूनिटी. ठीक है, इसे हम इनबोर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं. क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि इननेट इम्यूनिटी जो है वो हमें बाय बर्थ प्रेजेंट होती है. इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. इसको हम इसी की वजह से इनबोर्न नेटिव या नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल देते हैं. Whereas the acquired word से क्लियर है कि ये बाद में हम इस इम्यूनिटी को acquire कर रहे हैं. So we call it as the adaptive immunity as well as the specific immunity. Now next point in innate immunity, ये जो immunity है that is basically inherited by the organism from the parents and protected from बर्थ थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये हमें बाई बर्थ प्रेजेंट होती है एंड यूजली इट विल गेट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. वेयर इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे आती है हमें? वेन वी गेट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो विद एक तरह से हम बोल सकते हैं सिचुएशनल इम्यूनिटी होती है. हमारे में सिचुएशन के हिसाब से, एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट के हिसाब से हम ये इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं. सो वी विल डेवलप दिस इम्यूनिटी इन रिस्पॉन्स टू अ डिजीज कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ द माइक्रोब्स. Then innate immunity जो होती है, this is very important point. This is a kind of your GATE or CSIR question, right? It is a non-specific type of defense, whereas acquired immunity क्या होता है आपका? Pathogen specific होता है. देखो innate immunity हमें कैसे present है? By birth ही present है already. ठीक है, तो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो ऐसा नहीं होता कि जैसे मानो वो सिर्फ वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी या सिर्फ हमें बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी. नो, इट विल गिव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ द पैथोजेंस. ठीक है, हर तरह के पैथोजन के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक. किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ये स्पेसिफिक नहीं है. Whereas acquired immunity कैसी रहती है? Pathogen specific. मान लो virus enter कर रहा है तो वो उसी particular virus के against हमें immunity provide करेगा. So it will be the pathogen specific. Then next one point in the innate immunity. Innate immunity जो है आपकी वो by birth है, तो इसमें different तरह के barriers जो है वो include होते हैं. This is again a very important question. चार तरह के बैरियर्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, और वी कैन से दैट अगेंस्ट द पैथोजन और द एंटीजेंस. कौन से वो बैरियर्स हैं? फिजिकल बैरियर. ठीक है, फिजिकल बैरियर जैसे स्किन हो गया, स्किन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल बैरियर. देन सम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स. देन in case of the acquired immunity, it involves the memory cells formed by the B and T cells, which are the main basis of the acquired immunity. यानी कि इसमें basically antibodies का role रहता है और B and T cells का role रहता है. Whereas in innate immunity में four barriers का main role रहता है. What are these four barriers? इसकी details हम अपनी next video में करेंगे, जहां हम innate immunity को detail में describe करेंगे. So I will take these four barriers in detail in upcoming video. नेक्स्ट पॉइंट इज द रैपिड रिस्पॉन्स. जो आपकी इननेट इम्यूनिटी है, इसकी वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है. वेयर एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइम जो होता है काफ़ी लेट रिस्पॉन्स रहता है. बट इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि मान लो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. मान लो ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, इसमें कोई पैथोजन एंटर कर रहा है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो तो लेट होगा, बट मान लो दोबारा से सेम पैथोजन इसमें एंटर कर रहा है, तो जो सेकेंड टाइम इसकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी दैट विल बी द फास्टर रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टू, कि पहला जो रिस्पॉन्स होगा तब तो वो थोड़ा लाइटली या लेट रिस्पॉन्स करेगी, बट अगर सेम पैथोजन एंटर करता है तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि इस तरह की इम्यूनिटी में एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन जाती है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये उस पैथोजन को याद कर लेता है, और जैसे वही सेम पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो वो जल्दी से उसे आइडेंटिफाई कर लेता है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसके अगेंस्ट काफ़ी जल्दी एक्ट करता है। सो दैट्स वाई द नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस दैट इट हैज़ द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। Whereas this kind of the response is completely absent in case of the innate immunity. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? No immunological memory. So these are the points of the differentiation between the two. Now in the next slide we are discussing about the types of the acquired immunity. अभी जो हमने acquired immunity की है उसकी further दो types रहती हैं, active immunity and पैसिव इम्यूनिटी, राइट। एक जनरल हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे अगेन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव में। जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है इट मीन्स दैट व्हेन पर्संस ऑन सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हुआ और हमारे बॉडी के खुद के सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। वर्ड से ही क्लियर है, एक्टिव यानी कि हमारे सेल्स एक्टिव है, कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो वो जल्दी से एंटीबॉडीज बना रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारे जो सेल्स हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज इन वेरी क्विक रिस्पॉन्स, तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं या एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस बाय सम अनदर ऑर्गेनिजम्स जिनको हम रेडीमेड एंटीबॉडीज बोलेंगे, उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है सो दैट दे कैन काउंट्रैक्ट और दे कैन फाइट विद दैट एंटीजन, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका आप देख सकते हैं स्नेक वेनम, ठीक है। मान लो जब कोई स्नेक बाइट कर जाता है तो हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स जो स्नेक्स होते हैं वो हम नहीं जानते कि वो कैसा है, पॉइजनस है, कितना पॉइजनस है, न्यूरोटॉक्सिक है या कैसा है उसका वेनम का नेचर, तो हम वेट नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे जो है पेशेंट को रहने दें और हम वेट करें कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होगा और इसके वेनम को ख़त्म करेगा। नो, इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। सो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं ताकि वो स्नेक वेनम को ख़त्म कर सके, ठीक है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम पैसिव बोलते हैं, जहां हम एक रेडीमेड एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाहर से, और अगर हमारी खुद के सेल्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं तो हम उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आपकी स्लो होती है एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट, ठीक है। काफ़ी स्लो ये रहती है और ये थोड़ा टाइम लेती है अपना इफेक्ट शो करने के लिए। सेम पैसिव इम्यूनिटी में हम वेट नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम बाहर से दे रहे हैं, तो हम जो बाहर से एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। देन एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है आपकी? हार्मलेस होती है, क्योंकि हमारे खुद के सेल्स जो है, हमारी बॉडी के खुद के सेल्स वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार क्या होता है, जो हम बाहर से एंटीबॉडीज डाल रहे हैं तो हो सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को उस एंटीबॉडीज से या उसमें कुछ मटीरियल अगर कुछ इसमें प्रेजेंट है तो वो उसे एलर्जी कोज कर सकता है, तो समटाइम्स इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। देन एक्टिव इम्यूनिटी का जो इफेक्ट रहता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मतलब शुरू में बनने के लिए टाइम लेती हैं ये एंटीबॉडीज, बट इसका इफेक्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी, इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल इन एक्टिव इम्यूनिटी इज द मीजल्स एंड इन केस ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल इज द स्नेक वेनम।
So this is all about the difference between the active and passive immunity, which comes under the acquired immunity. So in this video, we discuss about the very basic things under the immunology unit. Now in the next video, I will continue with the one immunity, that is the innate immunity. Innate immunity hum lenge aur uske jo bhi components hain aur uske physical barriers ya jo bhi char tarah ke barriers hain hum unko detail mein discuss karenge. So I hope you will like the video. Please share and subscribe the channel and stay tuned for more videos. Thank you.